हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरा एक और वीडियो में। तो आज हम जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा तो मैं स्टूडेंट कॉलेज के लिए आया हूँ। तो उसमें इनरोल होने के लिए हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसको ऑफनामा प्रूफिंग कहते हैं। तो इसके लिए जा रहा हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई कर रखा है। मेरा वीज़ा लेट आया, इसके वजह से कील यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम मेरा छूट भी गया। काफ़ी लोग पूछते हैं कमेंट्स में मैं अभी कहाँ रह रहा हूँ। तो मैं क्लाउस्थल में रहता हूँ, और क्लाउस्थल से फिर यहाँ गौसलार आया हुआ हूँ। आप देख सकते हैं सामने बस स्टैंड है, वहाँ से फिर अभी रेलवे स्टेशन आया हूँ बान ऑफ। मेरे साथ करण है, करण भाई। हेलो गाइस, हम लोग दोनों साथ जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। हम लोग दोनों ने ऑलमोस्ट सेम सारी यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन करके रखी है। भाई का पहला ऑफनामा प्रूफिंग होगा। हाँ, करण का मेरे से एक मंथ पहले आया था, तो इसका कील का ऑफनामा ये दिया है। अब तक इसका रिजल्ट नहीं आया, मैं कुछ ही दिन लेट था। तो देखते हैं, आपको बताते हैं ऑफनामा का क्या सीन रहता है, कैसा है, क्या है एक्सपीरियंस है कोबक के बारे में स्पेशली। अभी मेरा कोबक यूनिवर्सिटी का ऑफनामा मेरा भी है, वो देने के लिए जा रहा हूँ। सारे यूनिवर्सिटीज़ जो भी मैं एग्ज़ाम दूंगा उसका एक्सपीरियंस आपको दूंगा। तो आगे दिखाते हैं फिर। अभी यहाँ से 6 घंटे का रास्ता है, फिर सुबह एग्ज़ाम है, हम लोग पहुँच जाएंगे काफ़ी पहले, स्टेशन पे ही वेट करना पड़ेगा। करण भाई, जर्मनी के ट्रेन के बारे में कोई टिप्पणी? भाई यहाँ का ट्रेन नहीं लगता भाई। क्या लगता है? मेट्रो ही है एक तरह से, तो ऐसे बट मज़ा आता है, बड़े बड़े शीशे नज़ारे देखते हुए जाओ पूरा, और फिर आवाज़ भी नहीं और ये भी नहीं होता। हाँ, तो अच्छा लगता है, ट्रेन में फील नहीं आता, आराम से पढ़ो लिखो, काम करो अपना, जाओ, और इंटरनेट भी मिल जाता है किसी किसी ट्रेन में तो। हाँ, जो भी बड़ी ट्रेन रहती है खास करके उसमें इंटरनेट भी होता है। हाँ, ट्रेन अच्छी है, आवाज़ बहुत कम करती है, तो अच्छा है ट्रेन, मेट्रो वाले की जाती है। गाइस, बहुत ही भयंकर वेदर हो गया है, आपको दिखाते हैं अभी यहाँ पे, रुकिए। कुछ भी लिटरली दिखाई नहीं दे रहा था, लग रहा था जैसे कि छोटा छोटा बूंद, इतना सारा छोटा छोटा बूंद पूरा कवर कर लिया है हम लोगों को। भयंकर। सो गाइस, फाइनली अभी हम लोग कोबक पहुंच गए हैं, कोबक बान ऑफ पे है। किधर जाना? 6 घंटे का रास्ता था, पहुंचे हैं 10 घंटे में। 9 घंटे कुछ टाइम लगा हम लोग को। एक्चुअली बात ऐसा है कि यहाँ ट्रेन कैंसिल हो गई थी, तो एक ट्रेन कैंसिल हो गई जिसके वजह से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ गया दूसरे ट्रेन के लिए। तो कैंसिल होती रहती है यहाँ पे, ये बहुत आम बात है यहाँ पे, इसलिए जहाँ भी निकलो 2-3 घंटे पहले निकलो, कि कैंसिल भी हो तो मैनेज कर पाओ। हम लोग निकले थे 3:48 में, हम लोग का बस था 47 में, और हम लोग अभी पहुँच रहे हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है करेक्ट? अभी हो रहा है 11:37। हम लोग पहुँचने वाले थे 9:00 कुछ मिनट। बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया गाइस, बहुत ही ज़्यादा। अभी पहुंच गए हैं, बहुत ठंड हो गई है, भूख लग गई है, देखते हैं कुछ। ऑफनामा देना भी बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही अलग अलग जगह जाना पड़ता है। ये है एटीएम मशीन स्पारकासा की तरफ से। स्पारकासा इंडिया में क्या होती है ना, एक दुकान टाइप होती है जिसमें एक शॉप टाइप, उसमें ये पैक होती है, उसके अंदर कोई सिक्योरिटी गार्ड भी होता है, बट यहाँ ऐसा ही है इस वजह से। बहुत ही भूख लग रही है भाई, हम लोग जा रहे हैं। 23 मिनट की स्ट्रगल है भाई, 23 मिनट चलेंगे अपन, फिर जाएंगे मैगडी में जाके कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर भूख लग जाएगा, फिर खाएंगे बस। जीवन में काम ही क्या है, मैगडी से खा के फिर यहीं वापस आके सो जाएंगे रात में। हाँ, क्या बोलते इसको, सावन था ना, इस वजह से हम लोग सुबह पूजा करने के लिए निकल गए थे, फिर
फिर हम बस लंच करें और उसके बाद निकल गए। अब डायरेक्ट अभी जाकर कुछ खाना है। इट्स लाइब्रेरी ब्रो। खाना आ गया गाइस। ये देखो दो बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोला। कोला भी थे। इस लेबे एस आई लव इट। कितने का है? 1000 रुपए का। बताओ आप, 1000 का लग रहा है ये? हे गाइस, तो सुबह हो गई है, हम लोगों ने बानहॉफ स्टेशन पे रात गुजारा है। सुबह हो गई है, अभी जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के पास। यूनिवर्सिटी में वॉशरूम वगैरह होता है, तो आप वहाँ जाकर फ्रेश हो सकते हैं। तो वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं यूनिवर्सिटी कैसा है। जब तक आप देखिए सिटी कैसा है ये कोबक। फाइनली पहुंच गए हैं कोबक के कैंपस में। हम उस बिल्डिंग में जा रहे हैं जहाँ पे हमारा एग्ज़ाम होगा। हमारा बिल्डिंग नंबर 11 है। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे होगा हमारा एग्ज़ाम। काफ़ी भीड़ भी है, देखते हैं कैसा जाता है एग्ज़ाम। पहला ऑफ नामा है, डर भी लग रहा है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो करण, कैसा था पेपर? भाई इजी था, भाई पेपर इजी था। पेपर बहुत इजी था, चाहे वो जर्मन हो या मैथ्स हो, दोनों इजी था। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो मैथ्स के, तो वो आप बना लोगे। और जो बात है जर्मन की, जर्मन आपको वो कैब आपकी तगड़ी होनी चाहिए, आप समझ पाओगे तो वो बहुत इजी है। आप समझ जाओ बस। हाँ, मतलब क्या था, पढ़ना था और टिक करना था, ठीक है। और फिर क्या था, सेंटेंस फॉर्म करना था बस। और बस ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत ही इजी था। मींस जिसको आता होगा उसके लिए बस 10 मिनट का काम था वो। बट एक्चुअली पेपर तो इजी था, बट इतने ज़्यादा लोग इंडियन ही हमें आराम से, हाँ 8-10 से ज़्यादा इंडियंस ही मिल गए हमें। काफ़ी लोग देने आए थे, तो मैं बैठ के खाली टाइम में गिन रहा था कितने लोग। टोटल 170 लोग थे। और सीट्स कितने होते हैं? 40। तो इस हिसाब से बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत यहाँ तेज लोग होंगे। देखते हैं बाकी, अब किस्मत पे है। बाकी एग्ज़ाम्स तो अच्छे गए हैं, देखते हैं। तो यही था कोबक का एक्सपीरियंस। अभी घूमने का प्लान तो था, लेकिन हमें जाना बहुत दूर, सो हम लोग घूमने का प्लान ड्रॉप कर रहे हैं और जा रहे सीधा ट्रेन लेने। काफ़ी दूर है हमारा घर, हमें एकदम जर्मनी के साइड से उस साइड जाना पड़ता है। नहीं होगा, अब नहीं होगा, भूख लगा है, चल जल्दी। ठीक है गाइस, तो घर पहुंच गया हूँ मैं। जर्नी बहुत ही ज़्यादा थकान भरा रहा, बट ये आप समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि अगर आप ऑफ नामा के लिए आ रहे हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करना हो सकता है, क्योंकि आप कहीं पे रह रहे हो, चाहे वो आप टेम्प्रेरी अपार्टमेंट लेकर रह रहे हो या फिर आप किसी फ्रेंड के घर पर रह रहे हो। हम लोग 3 फ्रेंड हैं, तो हम तीनों ने एक अपार्टमेंट लेकर रखा हुआ है 2 BHK का। तो हम कहीं एक जगह रहते हैं, हमें ट्रैवल करना होता है, कि हमारी जो यूनिवर्सिटी होती है
वो अलग 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 सिटीज़ में होती है, तो ट्रैवल करना पड़ता है, तो बहुत ही हैक्टिक ये होता है। हम लोग रात में 12 बजे 1 बजे पहुँचे थे और पूरा रात स्टेशन पे सोना पड़ा। ये सब चीज़ें दिक्कत आती है। इसके अलावा मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ ऑफनामा को लेकर। एशिया से जो आ रहे हैं इंडिया से हैं जो, उन्हें मैथ्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जर्मन काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करके आना है। आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं इंडिया से उतना करें। मिनिमम मैं बोलूँगा B2 आप करके आएँ। आपको ये समझ आना चाहिए और आपको आप अपनी बात किसी को समझा पाएँ और सामने वाले की बात आप समझ पाएँ, ये होनी चाहिए। बस उसके बाद तो ऑफनामा फिर निकल जाएगा। बट अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी और आपकी ऑफनामा निकल भी जाती है तो भी आपको आगे जाके स्टडीज़ में प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा मैं आप जितनी भी मेरी यूनिवर्सिटीज़ है, ये मेरा पहला था, एक यूनिवर्सिटी तो छूट गया था, केल यूनिवर्सिटी, और अभी मैंने पहला ऑफनामा दिया है। देखते हैं रिज़ल्ट क्या होता है। और बाकी सारे यूनिवर्सिटीज़ में दूंगा, मैं बताऊंगा जिस जिस यूनिवर्सिटी में मैं दिया उसका मैं आपके लिए वीडियो बनाकर एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस पर मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ का डाल दूंगा ताकि आप देख सकें आप यूनिवर्सिटीज़ में अगर इस पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या है प्रोसेस, वो कितना टफ है या कैसा उसका क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।